A very very good morning to all of you and this is your प्यारा सा channel Love You Chemistry and myself RK Rajput. So guys, जैसा कि आपको पता है हमने एक बहुत ही interesting सी series लाई हुई है जो है UP PGT का chemistry और उसमें हमने चलाया हुआ है organic chemistry और organic chemistry branch का नाम हमने दिया है PGTO means PGTO organic chemistry और ये आज हमारा इसका 10th lecture है जिसमें हम पढ़ रहे हैं GOC. तो guys अब से पहले हम 9 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं. अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके वीडियोस देख लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस है, तब आके यहाँ पे इस वीडियो को देखिए. और चलो स्टार्ट करते हैं. मैं फिर से कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल सके. ओके, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और लाइक कीजिए. ओके, सो स्टार्ट करते हैं एरोमेटिसिटी. सो एरोमेटिसिटी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉस्ट मुसलिन रोल. प्रिंसिपल या रोल जो भी है फ्रॉस्ट मुसलिन. देखते हैं क्या होता है ये रूल और काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सिंपल भी है, ठीक है ना. तो ये यूज किस लिए किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है एरोमेटिसिटी डिटरमाइन करने में. कैसे, ये थोड़ा सा कंसेप्ट है क्वांटम केमिस्ट्री का अगर मैं बात करूं या MOT का, ठीक है ना. MOT का थोड़ा सा कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट में हम वहां पे करते क्या है, हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इसकी एनर्जीज निकालते हैं. वो आई थिंक आपको यहाँ पे इस लेवल पे हमें वो देखना ज्यादा, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा. जिन बातों में हम इंटरेस्ट होगा तो हम वहां पे स्टार्ट करते हैं और हम काफी सिंपल वे में पढ़ेंगे और यहाँ से हम बहुत सारी चीजें देखेंगे. जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने देखा, बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ से पूछा जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से PGT वगैरह में बहुत ज्यादा यहाँ से पूछा जाता है. तो देख लेते हैं एक बार किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है. काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है. तो कैसे हम यहाँ पे एरोमेटिसिटी देखते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स है. जैसे कि मैं रूल नंबर 1 की बात करूं तो यहाँ पे जो कंपाउंड्स होते हैं, जो पाई सिस्टम होता है वो साइक्लिक माना गया है. क्या वो साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए. मीन्स यहां पे बात करूं द पाई सिस्टम शुड बी साइक्लिक प्लेनर एंड कॉन्जुगेटेड. ये तो हमें पता ही है, ये तो पहली कंडीशन है किसकी, एरोमेटिक होने की, ठीक है ना. बस ये कंडीशन हमें पता होना चाहिए और उससे आगे अब हम स्टार्ट करते हैं रूल को कि कैसे हम रूल लगाएंगे. तो बहुत ही सिंपल है. देखो जिस भी कंपाउंड का मुझे एरोमेटिसिटी, मैं कहूँ हिंदी में, अगर जिस भी यौगिक का मुझे एरोमेटिसिटी डिटरमाइन करना हो, एरोमेटिक तक डिटरमाइन करनी है, निकालनी है, उसके उसे क्या करना है, मुझे कुछ इस टाइप से ड्रॉ करना है. जैसे कि मुझे मान लिया बेंजीन के लिए निकालना है, तो कुछ इस टाइप से ड्रॉ करना है कि उसका एक वर्टेक्स नीचे वर्टिकल ऐसे हो और यहां पे नीचे जमीन को टच करे, ठीक है ना. अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस पूरे रिंग को एक सर्किल में, जिसमें अब मुझे इस पूरे रिंग को एक सर्किल में इस टाइप से रख देना है कि इसकी सारी वर्टिसेस, जितनी भी वर्टिसेस हैं वो इस सर्किल को टच करे. देखो सबसे पहले मुझे इसे इस टाइप से रखना है कि इसका एक वर्टेक्स नीचे छुए और फिर मुझे इसे एक सर्किल में इस टाइप से रख देना है कि सारी वर्टिसेस जो है वो सर्किल के ऊपर आए, ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान से सुनना. अब देखो जितनी जहां जहां भी आपकी वर्टिसेस सर्किल को ये टच कर रही है, ठीक है ना, यहाँ यहाँ पे होंगे एनर्जी लेवल्स. क्या होंगे, एनर्जी लेवल्स हो गए. अभी ध्यान से सुनना. अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके बिल्कुल मिडिल में एक लाइन खींच दूंगा हॉरिजॉन्टल. क्या खींच दूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूंगा. अब ध्यान से सुनना, इस हॉरिजॉन्टल से नीचे जो भी ऑर्बिटल्स होंगे, जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, जनरली MOT का ही पार्ट है, वो सब होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और जो ऊपर वाले ऑर्बिटल्स होंगे वो होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. समझ में आ रहा है, ठीक है. और इस लाइन पे जो ऑर्बिटल, अभी तो यहाँ पे कोई ऑर्बिटल नहीं आ रहा, कुछ कंपाउंड्स हम लेंगे जहां इस लाइन पे भी ऑर्बिटल आएंगे. अगर इस लाइन पे कोई ऑर्बिटल आ रहा है तो वहां पे आता है NBMO, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ये पूरा हमारा कंसेप्ट है,
फिर से सुनो, मैंने सबसे पहले क्या किया, उस कंपाउंड को इस टाइप से रखा कि उसकी एक वर्टिसेस नीचे टच करें, फिर इसे पूरे एक सर्किल में किया और सर्किल जो इसकी सारी वर्टिसेस है वो सर्किल को टच करनी चाहिए। फिर क्या करना है मुझे, इसकी वर्टिसेस पे जहां भी होंगे सब एनर्जी लेवल्स होंगे, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मिडिल में हॉरिजॉन्टल लाइन खेल देना जहां पे हमारी जो नॉन बॉन्डिंग की लाइन होगी, इससे ऊपर सब कुछ एंटी बॉन्डिंग होगा, नीचे बॉन्डिंग होगा। अब मुझे कैसे देखना है कि मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा कि नहीं, इसके बेसिस पे मैं कैसे बताऊंगा, तो देखो बहुत ही सिंपल है। अब मुझे देखना है इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन सा कंपाउंड है, बेंजीन में बना रहा हूं, तो बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेंजीन में अगर आपको पता है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं बेंजीन में, तो अब मैं इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन रखूंगा, ठीक है ना। तो देखो मैं इस एनर्जी लेवल को नीचे बना लेता हूं, पहले एक ऐसे है, इस टाइप से एनर्जी लेवल है इसमें, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका वो लाइन है जो एनबीएमओ वाली है, ओके। तो आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, भर रहे हैं जी 6 इलेक्ट्रॉन, ओके। अगर आपको इस टाइप से क्लोज पैक स्ट्रक्चर मिले या क्लोज सेल्स मिले, क्लोज सेल्स मतलब सभी सारे ऑर्बिटल क्या हो, फुल्ली फिल्ड हो, यानी कि सब में दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, तो उस कंपाउंड को हम कह देते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, क्या कह देते हैं, एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड होगा एरोमेटिक। तो अब आपको समझ में आएगा कि कैसे बताओगे एरोमेटिक होगा नहीं, अगर कहीं पे भी एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, यानी कि कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे, तो वहां पे कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। समझ में आ जी, ओके। और क्या बता सकते हैं इसके बेसिस पे, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना, हम इसके बेसिस पे होमो ल्यूमो का कंसेप्ट भी बता सकते हैं, ठीक है। अब आप में से पता ही तो होगा होमो क्या होता है, ल्यूमो क्या होता है, तो होमो होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड ल्यूमो क्या होता है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये वो ऑर्बिटल है जो सबसे ऊपर होता है और वो ऑक्यूपाई होता है, और ये वो होता है जो सबसे नीचे होता है और अनऑक्यूपाई होता है, उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे नीचे वाला कम एनर्जी, वो कम से कम एनर्जी वाला जो अनऑक्यूपाई होगा लोमो होगा, वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी वाला जो ऑक्यूपाई होगा वो होमो होगा। एक चीज आती है यहाँ पे सोमो, ठीक है ना, सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इन ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं तो इनमें अगर एक एक अगर आपके होमो में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल है तो वहां पे होता है सुमो, सब की बात करेंगे अभी हम। तो यहाँ पे देखो ये आपका हाईएस्ट एनर्जी वाला वो ऑर्बिटल है जो फिल्ड है, तो इसे हम कह देंगे होमो, बेंजीन का ये होमो हो गया। अगर मैं बात करूं तो इसे हम कह देंगे लोमो, क्योंकि ये लोएस्ट एनर्जी का वो ऑर्बिटल है जो अनऑक्यूपाइड है। समझ में आ रहा है, ठीक है जी। अब यहां से एक क्वेश्चन आया था जो आपका सीजीपीएससी का अभी जो एग्जाम हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वहां पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, और क्वेश्चन क्या आया था, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये आया था कि बेंजीन के केस में, कि बेंजीन में जो होमो होता है, बेंजीन में जो होमो होता है वो डबली डिजेनरेट होता है, यानी वो डबली डिजेनरेट होता है या नॉन डिजेनरेट होता है, यानी कि सिंगली डिजेनरेट। तो देखो डबली डिजेनरेट का मतलब क्या है, जहां पे डिजेनरेसी दो होगी, मींस आपको कोई भी दो ऑर्बिटल सेम एनर्जी का अगर मिलेंगे तो उसे कहते हैं डबली डिजेनरेट, इसे कहते हैं नॉन डिजेनरेट, ठीक है ना। तो ये होगा डबली डिजेनरेट। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे अगर इन ऑर्बिटल की बात करो तो ये कैसे है, दोनों की एनर्जी सेम है, तो ये होगा डबली डिजेनरेट। तो इसका जो होमो है एज वेल एज जो ल्यूमो है वो क्या है, वो आपका डबली डिजेनरेट है। अगर मैं बात करूं इसका फर्स्ट लेवल की, पहले लेवल की जो ये वाला है, ये आपका नॉन डिजेनरेट है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। चलो हमने बेंजीन का केस कर लिया, हम और कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे कि मैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल ले लेता हूं, इस कंपाउंड की बात कर लेते हैं पहले इसकी, ठीक है ना। चलो तो हमें करना क्या है, इसकी कोई भी एक वर्टिसेस पहले नीचे इस टाइप से लेनी है कि वो नीचे टच करें। चलो ये हो गया, तो ये होगा जी। चलो अब करना क्या है, अब इसे एक सर्किल में बंद करना है जिससे कि सर्किल इसे टच करे, ठीक है। अब यहां पे देखो एक बार आप इसे बना लो, ठीक
ठीक है जी, वर्टिसेस का खास तरीके से हमें ध्यान रखना है। ओके, तो अब ध्यान से देखना, अगर अब मैं एक लाइन खींचूंगा मिडिल से, वो लाइन यहाँ से जाएगी, यहाँ पे आपका ऑर्बिटल हो गए, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए। देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे ऊपर सब क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नीचे क्या होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, NBMOs। ठीक है जी, समझ में आ रहा भाई। ओके, तो ये हो गए ऊपर वाले बॉन्डिंग, नीचे हो गए वो, सॉरी एंटीबॉन्डिंग, ये हो गए बॉन्डिंग और ये हो गए नॉन बॉन्डिंग। अब मुझे करना क्या, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 6, 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, देखो ये हो गया एनर्जी लेवल, ये हो गया, तो 1 2 3 4 5 6। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हुए, बॉन्डिंग में कितने आ रहे हैं, बॉन्डिंग में आ रहे हैं दो, एंटी नॉन बॉन्डिंग में आ रहे हैं कितने, देख लो जी नॉन बॉन्डिंग में दो या दो या चार आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका होमो, इसका इस बार जो इसका होमो है वो क्या है, नॉन बॉन्डिंग है, ठीक है ना, ये आपका होमो और ये आपका डबली डिजेनरेट है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। चलो इससे आगे भी अगर मैं बात करूं, और कंपाउंड देख लेते हैं, इससे आगे अगर मैं ये ले लूं, ध्यान से देखो जी, काफी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें भी है, इंपॉर्टेंट चीजें। ओके, ये ले लेता हूं यहां पे प्लस, तो इसे मैं देखता हूं, तो सबसे पहले मुझे इसकी एक वर्टिसेस नीचे ऐसे लेनी पड़ेगी और ये ऐसे, ठीक है ना, थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं, ऐसे लाना पड़ेगा, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सर्किल खींचना पड़ेगा इस टाइप से, ठीक है जी। चलो अब देखो ध्यान से, इसमें एक लाइन खींचेंगे बिल्कुल बीच में ऐसे, ठीक है, नीचे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऊपर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। ओके, वन एनर्जी लेवल, टू, ये थ्री एनर्जी लेवल हो गए, बना लो ऐसे, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2, दो इलेक्ट्रॉन है, यहां पे आ जाएंगे, तो कैसा है, एरोमेटिक है, ये भी कैसा है, एरोमेटिक है, तो आपको एरोमेटिक पता लग रहा है, ठीक है, इसका ये होमो हो गया, ये लुमो हो गया, चलो ये होमो ये लुमो, इसका जो होमो है वो कैसा है, वो नॉन डिजेनरेट है, देख रहे होंगे आप, ठीक है। चलो इससे आगे अगर मैं बात करूं, इस कंपाउंड की बात करूं, तो देखो सीधी सी बात है, यहां पे या तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होंगे या एरोमेटिक होंगे, नॉन एरोमेटिक इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें पहला ही रूल आ गया कि कंपाउंड या तो जिन पे ये लगेगा रूल वो या तो वो साइक्लिक भी होने चाहिए, प्लोनर भी होने चाहिए, कंजुगेटेड भी होने चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे दो केस आ जाते हैं कि वो 4n5 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है या वो 4n+2 को फॉलो करता है, ठीक है। अगर वो 4n+2 को फॉलो करेगा तो उसमें क्लोज सेल आएगी, अगर नहीं करेगा तो उसमें क्लोज सेल नहीं आएगी, ठीक है ना, वो हम बात करना चाह रहे हैं, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। तो उसके बेसिस पे हम फिर उसे एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, मींस अगर क्लोज सेल आ रहा है तो एरोमेटिक, अदरवाइज एंटी एरोमेटिक। तो यहां पे ध्यान से देखो, अब मैं इस कंपाउंड पे करूंगा, ये वर्टिसेस नीचे टच कर रहे हैं, तो इस पे एक सर्किल खींचता हूं, ये सर्किल हो गया, तो एनर्जी लेवल यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, और यहाँ से मैं एक लाइन खींचता हूँ बिल्कुल बीच से, नीचे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऊपर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और नीचे बीच में नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कुछ इस टाइप से हो गए। ओके, तो अब यहाँ पे मैं आपके एनर्जी लेवल बना लेता हूँ, तो इस टाइप से कुछ एनर्जी लेवल्स यहाँ पे बनेंगे, बन रहे हैं जी। ओके, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 और 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो 4 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे आ जाएंगे, 1 और 1 यहाँ पे आ जाएंगे, ये क्या होगा, यहाँ पे देखो ये वैसे होमो होगा, ठीक है, बट सिंगली ऑक्यूपाइड है, तो आप इसे सोमो कह देते हो, सोमो आ गया, सोमो का कंसेप्ट समझ में। ओके, जो यहाँ पे होमो है, सोमो है, जो भी कहो आप, ये डबल डिजेनरेट है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये कंपाउंड कैसा होगा, ये आपका क्लोज सेल नहीं है, यानी ये यहाँ पे अभी पेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, तो ये होगा एंटी एरोमेटिक। तो इस टाइप से आप जो क्लोज सेल होंगे वो आपके एरोमेटिक होंगे, और जो क्लोज सेल नहीं होंगे वो आपके एंटी एरोमेटिक होंगे, समझ में आ रहा है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा।
तो ये था आपका फ्रॉस्ट मुलसन रूल। यहां से क्वेश्चन आ जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी, कोई दिक्कत कर लोगे, ठीक है। अब यहां पे कुछ हम मिसलिनियस कंसेप्ट देख लेते हैं, कुछ मिसलिनियस कंसेप्ट, सम मिसलिनियस कंसेप्ट, कुछ मिसलिनियस कंसेप्ट हम यहां पे देख लेते हैं, मीन्स कुछ अलग से कुछ कंसेप्ट हम यहां पे देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन के थ्रू यहां पे देख लेता हूं। मान लिया उसने यहां पे दे दिया नेफ्थलीन इस टाइप से, और एक और स्ट्रक्चर दे दिया नेफ्थलीन का, नेफ्थलीन की दो कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर दे दी उसने मुझे, ये और ये, ठीक है ना। और इसमें पूछ लिया कि इन दोनों में से, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा एरोमेटिक है, विच वन इज, विच इज मोर एरोमेटिक। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना है, जहां पे ज्यादा बेंजीनोइड रिंग होगी वहां पे आपका कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा, ठीक है ना, ज्यादा एरोमेटिक होगा। तो देखो इन दोनों की बात करूं तो इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक बेंजीनोइड रिंग है। बेंजीनोइड रिंग मतलब बेंजीनोइड रिंग वो रिंग जो जो बिल्कुल बेंजीन के जैसी हो, तो देखो बेंजीन के जैसी है ना, अगर मैं इसे यहाँ पे डकलू तो ये क्या है, बेंजीन के जैसी रिंग है। और अगर आप इधर से देखो तो यहां से डको तो ये भी एक बेंजीन के जैसी रिंग है। तो यहां पे दो बेंजीन के जैसी रिंग है, मींस टू बेंजीनोइड रिंग, समझ में आ रहा है। यहां पे अगर बात करूं तो आपको एक बेंजीन के जैसी रिंग दिखी होगी, लेकिन जो दूसरी रिंग है वो बेंजीन के जैसी ही नहीं, क्योंकि उसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें वन बेंजीनोइड रिंग, और मैंने कहा जितनी ज्यादा बेंजीनोइड रिंग होगी उतना ज्यादा वहां पे आपका एरोमेटिक होगा कंपाउंड। तो ये कंपाउंड ज्यादा एरोमेटिक होगा देन दिस, समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें बेंजीनोइड रिंग दोनों है, तो ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा, ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगा, रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा होगी, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, तहलका मचा देगी ये चीजें। बस आपको करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ओके, अपना काम आप करते नहीं हो। हाँ जी, यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये है आपका बेंजीन, ये है जी नेफ्थलीन, और ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये इनकी रिएक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब इनकी रिएक्शन हम करते हैं। हाँ, तो अब मैं अगर इन तीनों कंपाउंड की बात करूं और मैं पूछ लूं इनमें एरोमेटिसिटी का ऑर्डर बताइए, ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी, ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी, इन तीनों में एरोमेटिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो सिंपली मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ एरोमेटिसिटी का ऑर्डर होगा ये, क्यों होगा वो अभी बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एक रिंग है उसमें अच्छे वाला कॉन्जुगेशन है, बहुत अच्छे वाला कॉन्जुगेशन है, बेंजीनोइड रिंग है, कौन दिक्कत नहीं। इसमें भी दो बेंजीनोइड रिंग है, इसमें भी तीन बेंजीनोइड रिंग आपको, सॉरी तीन, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से देखना, इसमें तीन रिंग दिख रही है, इसमें दो रिंग दिख रही है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन होगा ये कॉन्जुगेशन कुछ इस टाइप से हो रहा है, और इधर वाला भी कॉन्जुगेशन इस कुछ इस टाइप से हो रहा है, मींस जो ये बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, जिससे क्या होगा, कभी कॉन्जुगेशन इधर होगा, कभी इधर होगा, मींस इसका जो जो कॉन्जुगेशन हो रहा था, जो इसका अच्छा सा कॉन्जुगेशन हो रहा था, ये उस कॉन्जुगेशन को कम कर दे रहा है, तो ये एरोमेटिक थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे ही ये जो कॉन्जुगेशन है तीन रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तीन रिंग में बढ़ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपका लेस एरोमेटिक होगी। मीन्स आप यहाँ से याद रखना, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रिंग अगर आपकी जुड़ी है ऐसे, तो उतना ज्यादा कम एरोमेटिक होगा। तो ये सबसे ज्यादा एरोमेटिक, उससे कम, ये उससे कम। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि इन सब में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो देखो जो ज्यादा एरोमेटिक होगा वो रिएक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वो तो स्टेबल होगा, तो जो कम एरोमेटिक होगा वो आपका क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा, और वो ही आपका ज्यादा एक्टिव होगा। तो इसमें रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा इसकी होगी, और फिर इससे कम इसकी होगी, और इससे इसकी सबसे कम होगी। अब अगर इसमें पूछ लिया जाए कि इन दोनों में इस रिंग में, इस वाले बैंड जो नेफ्थलीन रिंग है उसमें एरोमेटिक, वो सॉरी रिएक्टिव कौन सी रिंग होगी, मीन्स रिएक्शन जो होगा
वो कौन सी रिंग पे होगा? देखो यहाँ पे दो रिंग है, ये रिंग है और ये रिंग है, क्या दोनों रिंग पे रिएक्शन हो सकता है? क्या एक रिंग पे रिएक्शन हो सकता है? देखो ये तो आपको अच्छी सी बेंजीनोइड रिंग दिख रही है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ अलग ही सीन दिख रहा है, तो ये आपका रिएक्टिव रिंग होगा। यहाँ पे कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है? ये आपका साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जब हम पेरिसाइक्लिक में साइक्लो एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे एज डाइन यूज हो जाता है, एज डाइन, ये वाला रिंग, ठीक है ना? देखो डाइन दिख रहा है ना, सिस डाइन, ये यूज हो जाता है। इसकी बात करूं तो इसमें ये वाला, ये जो बीच वाला रिंग है, ये बीच वाला रिंग बहुत ज्यादा क्या होता है, एक्टिव होता है, रिएक्टिव होता है। तो होता क्या है, जितने भी यहाँ पे वो रिएक्शंस होते हैं यहाँ पे होते हैं, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो आपको मिलता है यहाँ पे OH, ठीक है, OH। देखो यहीं पे ऑक्सीडेशन हुआ, और फिर हम जब इससे, आपने पढ़ा भी होगा 11th क्लास में, जब इससे हम हाइड्रोजन प्रोक्साइड का प्रोक्साइड बनाते हैं तो हम इसका क्या कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं, सॉरी हाँ ऑक्सीडेशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, यहाँ से दो H2 निकल जाते हैं, O2 की प्रेजेंस में यहाँ से दो H2 निकल गया तो बनता है आपका H2O2, और यहाँ पे क्या कंपाउंड बन जाता है, डबल बॉन्ड O लग जाता है, डबल बॉन्ड O लग जाता है। वैसे इसमें हम जो कंपाउंड लेते हैं उसमें यहाँ पे C2H5OH होता है, नाम क्या होगा, 1,2, तो 2-methyl और बेंजोक्विनोल होता है, और उससे बनाते क्या है, 2-methyl क्यूनोल होता है, और इससे बनता क्या है, 2-methyl एंथ्राक्विनोन बनता है, और प्लस H2O2 निकल जाते हैं। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि रिएक्टिविटी कौन सी रिंग पे होती है, रिएक्शंस कौन सी रिंग पे होती है, तो इस रिंग पे यहाँ पे रिएक्शंस होती है इसकी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ओके अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इससे रिलेटेड, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो ये मिसलेनियस कंसेप्ट को आप क्या करना, अपनी एक अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि इनसे कभी भी रैंडमली क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीजें होती है, ठीक है ना। और हम रीजन एक एक का बताएंगे आपको, रीजन बता बता के चलेंगे अच्छे से, और उनके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे। ऐसा ऐसी चीज हम नहीं पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है ना, क्वेश्चन सबसे आता है, जो हम पढ़ेंगे वो सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके तो क्वेश्चन क्या है, ये UPPCS 2007 में क्वेश्चन आया, 2007 में क्वेश्चन आया, उसने क्या पूछ लिया इसमें, इसमें उसने एक तो एसर्शन दे दिया है और एक यहाँ पे रीजन दे दिया, एसर्शन और रीजन दे रखे हैं। एसर्शन में क्या दे रखा है उसने, नेथिलीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, इसने कह रखा है नेथिलीन बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है, चलो नेथिलीन बेंजीन, या सही बात है, नेथिलीन बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है। दूसरा क्या दे रखा है, उसका रीजन क्या दे रखा है इसने, नेथिलीन कंटेन्स टू सेपरेट बेंजीन रिंग्स, जो नेथिलीन होती है उसके पास दो सेपरेट बेंजीन रिंग्स होती है। वैसे आप सही कह सकते हो, लेकिन उन दोनों बेंजीन रिंग में जो आपका कॉन्जुगेशन होता है, जो आपका रेजोनेंस होता है, वो आपका कम हो जाता है। अगर हम बात करें दो सेपरेट बेंजीन रिंग की, तो दोनों सेपरेट बेंजीन रिंग में 3 and 3 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वहां पे 6 and 6 12 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन नेफ्थलीन की बात करो तो वहां पे ओनली 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहां पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं, जिससे उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है, चलो अगर समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है एंथ्रासीन, एंथ्रासीन दिया हुआ है आपको, एंथ्रासीन क्या होता है, 3 रिंग ऐसे जॉइंट होगी, ये दिया हुआ है जी एंथ्रासीन, ठीक है ना, और आपको दिया हुआ है इधर फिनेंथ्रीन, क्या दिया हुआ है, फिनेंथ्रीन, ये दिया हुआ है, ये है एंथ्रासीन, ये है फिनेंथ्रीन, ये दोनों आपको दे दिया, क्या ये फिनेंथ्रीन, फिर से ध्यान दो नाम लिख लेना फिनेंथ्रीन। तो पूछा है इन दोनों में ज्यादा एरोमेटिक कौन होगा, तो आप एक बार सोच के बताओ इन दोनों में ज्यादा एरोमेटिक कौन होगा, मैं आपको देता हूं 15 सेकेंड। ओके लेट अस स्टार्ट। हाँ तो अभी तक आपने देख लिया होगा कि कौन ज्यादा एरोमेटिक होगा, तो अगर आप बात करो इस वाले कंपाउंड की, तो इसमें एक बेंजीनोइड रिंग और दो बेंजीनोइड रिंग, देखो साफ साफ दिख रही है दो बेंजीनोइड रिंग है, लेकिन यहाँ पे तो आपको एक ही बेंजीनोइड रिंग दिख रही है ना, एक ही बेंजीनोइड रिंग,
तो आपका ज्यादा एरोमेटिक कौन होगा, ये होगा। अगर मैं बात करूं, मैंने कहा था इसमें जो एक्टिव रिंग होगी ये होगी, यहाँ पे जितनी भी रिएक्शन होती है यहाँ पे होती है, इसमें जो एक्टिव रिंग होती है वो कौन सी होती है, एक्टिव रिंग ये होती है बीच वाली। और इसका देखो ये जो आपका बॉन्ड होता है वो एज अ एल्कीन यूज होता है, एज अ एल्कीन रिएक्ट करता है, रिएक्टिंग एल्कीन की जैसे। देखो सेपरेट दिख रहा है, यहाँ पे कंजुगेशन भी इतना नहीं है क्योंकि इसका कंजुगेशन इधर है इसका इधर, ये एज अ एल्कीन स्टेटिक स्टेटिक बॉन्ड है। देखो अगर मैं बात करूं नंबर की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पे जो आपके 9 और 10 है वो दोनों रिएक्टिव सेंटर्स है, ये और ये आपका रिएक्टिव सेंटर्स है। इसमें बात करूं तो 1 यहां से लेता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो यहाँ पे जो 9, 10 वाला बॉन्ड है वो आपका रिएक्टिव है। यहाँ पे जो रिएक्शन होती है यहाँ पे होती है, और इस वाले में जो रिएक्शन होती है इन दोनों कार्बन पे होती है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत? चलो तो हम अब इसी के साथ बात करते हैं कि हम नंबरिंग करते कैसे। तो देखो इसमें नंबरिंग आपको समझ में, एंथ्रेसीन में नंबरिंग कैसे करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। फिनेथ्रीन में कैसे क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। तो ये आपको नंबरिंग थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। यहीं पे मैं नेफ्थलीन ले लेता हूँ एक बार और उसकी नंबरिंग देख लेता हूँ। नेफ्थलीन थोड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं क्योंकि यहाँ से पीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये है आपका यहाँ पे नंबरिंग का तरीका। समझ में आ रहा है जी, नंबरिंग का तरीका समझ में आया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं बेंजीन की तो आप देख रहे होंगे बेंजीन के केस में, आप चाहे मैंने यहाँ पे एक ग्रुप लगा दिया सी, ठीक है ना, और वो ग्रुप अब यहाँ से हटा के मैंने लगा दिया यहाँ पे, तो आप कहोगे ये और ये दोनों सेम है क्योंकि इसमें सभी कार्बन सिमेट्रिक है, तो आप कहीं भी सीएल को लगा सकते हो, दोनों कंपाउंड सेम है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, किसी ने मुझे ये कंपाउंड दे दिया और दूसरा दे दिया कुछ ऐसे ऐसे, तो ये दोनों अलग है। क्यों? देखो भाई यहाँ पे एक पोजीशन है, यहाँ पे पोजीशन है दो, यहाँ पे एक पोजीशन है, यहाँ पे पोजीशन है दो, तो ये दो पे क्लोरो लगा है, तो इसे कहेंगे 2-chloro-naphthalene, इसे कहेंगे 1-chloro-naphthalene। समझ में आ रहा है? ओके, अब ध्यान से देखना एक बार, ये है आपका नेफ्थलीन रिंग। नंबरिंग मैंने इसकी आपको बताई थी, नंबरिंग कैसे होगी, ठीक है ना, नंबरिंग में कोई डाउट नहीं। अब ध्यान से देखो, इसकी जो पोजीशन होती है, ये दोनों पोजीशन होती है अल्फा, ये दोनों पोजीशन होती है अल्फा, और ये पोजीशन होती है इसकी बीटा। समझ में आ रहा है? ये चार पोजीशन बीटा होती है और ये चार पोजीशन अल्फा होती है। जैसे कि बेंजीन में ये ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है, ये पैरा होती है, ठीक है ना, ये आपकी दोनों ऑर्थो, ये दोनों मेटा और ये पैरा होती है। ऐसे इसमें ये दोनों बीटा पोजीशन होती है, ये अल्फा पोजीशन होती है, इसके नोमेनक्लेचर का तरीका है। अब अगर मुझे कोई कंपाउंड दे दे, ये ध्यान से देखो, तो देखो थोड़ा ध्यान से देखो, अब अगर नेप्थलीन में मुझे कंपाउंड मिल जाए ये वाला, और ये वाला, तो इसमें घबराना मत, ये कंपाउंड दोनों सेम है। इसमें जो क्या क्या है, जो रिंग है इसे ऐसे फ्लिप किया हुआ है और ये क्लोरीन यहां पे आ रहा है, ये और ये सेम है। अगर ये ही यहां पे आ जाए तो ये भी सेम है, ठीक है ना, और इसके ये भी सेम है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों पोजीशन अल्फा होती है, ये दोनों पोजीशन बीटा होती है। समझ में आ रहा है जी? एक बार अच्छे से उतार लो, कैमरे में आ रहा है? हाँ, परफेक्ट। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जैसा कि आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी को ये नंबरिंग वाला कंसेप्ट नहीं पता है तो मैं फिर से कह रहा हूं, वो इस क्वेश्चन को नहीं, या तो नहीं करके आएगा, अगर करके आएगा तो गलत करके आएगा, और अगर करके आएगा तो मैं कहता हूं वो गलत करके आएगा। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन जी, आपका यूपीपीसीएस 2007 का क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है? 2007 क्वेश्चन है जी, यूपीपीसीएस 2007। चलो क्या क्वेश्चन है, इसने कह रखा है इन नेप्थलीन में कौन सा स्टेटमेंट, इसने चार स्टेटमेंट रखे, पूछ रखा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहले में कह रखा है C1C2 बॉन्ड इज शॉर्टर देन C1C2 बॉन्ड इज शॉर्टर देन C2C3, ये फर्स्ट ऑप्शन है।
दूसरे ऑप्शन में दे रखा है C1 C2 बॉन्ड इज इक्वल टू C2 C3। तीसरे में दे रखा है C2 C3 बॉन्ड इज शॉर्टर देन C1 C2। और फोर्थ में दे रखा है नन ऑफ द अबव। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो अगर मैं नेफ्थलीन का रिंग बना लो, ध्यान से देखो, अब तो आपको नंबरिंग आती है, अब तो आप कर लोगे। तो यहां पे देखो, अगर मैं इस नेफ्थलीन की बात करूं तो 3 4 5 6 7 8 ये आपको दिख रहा है, ठीक है ना, कुछ ऐसे ही होगा नेफ्थलीन। समझ में आ रहा भाई? हाँ भाई, समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा होगा नेफ्थलीन। अब अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ध्यान से देखना क्या होगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें आप रेजोनेंस करा सकते हो, कैसे, इसे यहां ले जाओ, इससे यहां ले आओ, इससे यहां ले आओ, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ओके, तो एक आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। अगर मैं दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखूं तो कुछ इस टाइप से मिलेगा। इस बार मैंने इसमें रेजोनेंस करा दिया, ठीक है, इस बार क्या किया, इसमें रेजोनेंस ऐसे करा दिया, ठीक है। देखो ये तीन मुझे यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रही है। अगर इन तीनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें देखो तो 1 2 बॉन्ड, 1 2 बॉन्ड पे क्या है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे 1 2 बॉन्ड पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 1 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो 1 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन 1 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। ओके, अगर मैं 2 3 की बात करूं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। तो एक में ओनली 2 3 पे C2 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। मींस अगर मैं यहाँ पे टोटल परसेंटेज निकालूं तो 67% क्या हो रहा है, 67% आपका C1 C2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। मींस C1 C2 पे डबल बॉन्ड ज्यादा रह रहा है। अब आपको पता है डबल बॉन्ड यहाँ पे ज्यादा है तो C1 C2 जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, शॉर्टर होगा इससे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर के आसपास होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। तो डबल बॉन्ड ज्यादा छोटा होता है ना, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा जो C1 C2 बॉन्ड है वो शॉर्टर है C2 C3 बॉन्ड से, ठीक है भाई। ऐसे क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर मैं बात करूं, ये जो बॉन्ड होता है C1 C2 1.36 होता है, 1.40 एंगस्ट्रॉम होता है, तो ये आपका इनका बॉन्ड लेंथ होता है, वो छोटा बॉन्ड है, इससे एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ठीक है जी, क्वेश्चंस देख लोगे आप। ठीक है जी, समझ में आया कैसी क्वेश्चन किया आपने। ओके, आगे चलते हैं। चलो एक मिसलिनियस चीज और देख लेते हैं कि जो ये एरोमेटिक जो साइक्लिक कंपाउंड है, जो आपका रेजोनेटिंग ये कंपाउंड्स हैं, इनमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करते हैं। चलो मैं बेंजीन की बात कर लेता हूं, बेंजीन का पूछ लेता है यहां पे। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बेंजीन, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन के बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। ध्यान से देखना बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला यहां पे होता है, जो आपके डिलोकलाइज बॉन्ड है, डिलोकलाइज डबल बॉन्ड है, आप कह रहे हो डिलोकलाइज पाई बॉन्ड है वो, ठीक है, बटे अपॉन होगा कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अगर बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूं तो दो ही है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस टाइप से, इससे ज्यादा इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होती, ठीक है ना, सॉरी सेम बना दिया, ठीक है। तो ये दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो यहां पे टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं, तीन पाई बॉन्ड है, ओके। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूं तो दो है, तो 3/2 1.5 मींस बेंजीन का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1.5 होता है। ऐसे ही आप नेफ्थलीन वगैरह एंथ्रेसीन वगैरह में कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। बेंजीन के लिए इंपॉर्टेंट था, बेंजीन का यहाँ पे पूछ सकता है, तो मैंने आपको बता दिया है। समझ में आ रहा है, तो अच्छे से देखना जी इन चीजों को, ठीक है, अच्छे से देखना, ये क्वेश्चन सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं फिर से बात कर रहा हूँ कि जो ये एरोमेटिसिटी अब चली हुई है, एरोमेटिसिटी का जो फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर में भी वो सिंपल ही कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक।
अगर वो बात करूं तो वो थोड़ा सा 11th 12th की बात करूं, ठीक है ना, उस लेवल पे अगर मैं बात करूं तो वो आपका उनके लिए लेक्चर था। लेकिन जो उससे बाद में जो एरोमेटिसिटी के लेक्चर आ रहे हैं, ये सभी लेक्चर 11th 12th के लिए बिल्कुल नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है ना। ये थोड़ा हाई लेवल के बीएससी और उससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चन है भी, ठीक है, उनके लेवल में वो नहीं है। उन्हें अगर देखना है तो बस फर्स्ट लेक्चर वो देख सकते हैं, उससे ज्यादा उनके लिए नहीं है। समझ में आ रहा है? चलो अब अगर एक क्वेश्चन दे दूं मैं आपको, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। यहां पे दिया हुआ है फिनेंथ्रीन, क्या दिया हुआ है? फिनेंथ्रीन, कुछ इस टाइप से दिया हुआ है जी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और यहां पे आपको दे दे अगर Br2, क्या दे दे यहां पे? Br2 दे दे, हाँ जी, यहाँ पे आपको Br2 दे दे इन प्रेजेंस ऑफ Hc Br3। तो भाई ये रिएक्शन तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, ये रिएक्शन होती है जी एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? एडिशन रिएक्शन। किसका एडिशन हो जाता है? Br का एडिशन हो जाता है, Br2 का एडिशन हो जाता है। लेकिन हमने पढ़ा है कि ये आपका एडिशन कभी भी एरोमेटिक कंपाउंड्स पे जो लोकलाइज्ड बॉन्ड होते हैं उन पे कभी डीलोकलाइज्ड बॉन्ड पे कभी नहीं होता। तो मैं क्यों कह रहा हूं नहीं हो रहा? यहां पे क्या है, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन में मैंने पढ़ा था कि जो 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने कहा था जो 9 और 10 आपका बॉन्ड है वो एज एल्कीन बिहेव कर रहा है, एज एल्कीन, एल्कीन के जैसे बिहेव कर रहा है। तो एडिशन कहां पे होगा? यहां पे होगा, बाकी रिंग पे तो कोई एडिशन ही नहीं होने वाला, ठीक है ना, बाकी तो एरोमेटिक है। तो आपको यहां पे ये एडिशन करा देना है, ठीक है ना जी। तो ये होगा आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो सॉरी, हाँ ये ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, इस वाले बॉन्ड पे आपका क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, इस वाले बॉन्ड पे आपका रिएक्शन हो जाएगा। और यहां पे आपको मिल क्या जाएगा, Br और Br, एंटी अटैक होता है जी, एंटी एडिशन होता है, ये तो पढ़ा था ना हमने, और उन्हीं से अच्छे से पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में कैसे एडिशन होता है। चलो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैसे एडिशन होता है। सबसे पहले जो यहाँ पे एल्कीन है, उस एल्कीन से जो Br2 है वो थोड़ा पोलराइज होता है, फिर यहाँ पे बनता है एक ब्रोमिनियम आयन, एक ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं, 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट ये, ठीक है। और फिर दूसरा Br, जो दूसरा Br माइनस होगा वो आके अटैक मारता है, ये यहाँ पे जाता है। अब ध्यान से सुनो, अटैक उधर से मारेगा जिधर से ये नहीं जुड़ा है, मीन्स इसके एंटी से अटैक मारेगा, तो एक Br जुड़ेगा अबो द प्लेन और दूसरा Br जुड़ेगा बिलो द प्लेन। हम इसे पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से जब हम पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। समझ में आ रहा है जी, कोई दिक्कत? ठीक है भाई, ओके। अब यहां से क्वेश्चन आता है हमारे मन में, क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन ये आता है, अगर मैं यहां से C9 और 10 पे एडिशन करा रहा हूं, सॉरी ये डबल बॉन्ड यहां पे नहीं रहेगा, मैं यहां पे C9 10 पे एडिशन करा रहा हूं, तो क्या एडिशन कराने से मेरी एरोमेटिक कंपाउंड पे एरोमेटिक कंपाउंड की एरोमेटिसिटी कम नहीं होती है क्या? ठीक है ना, हम कहते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड पे अगर आप एडिशन कराते हो तो एरोमेटिसिटी लूज होती है, क्या यहाँ पे एरोमेटिसिटी लूज नहीं हो रही? तो मैं कहूंगा नहीं भाई, यहाँ पे एरोमेटिसिटी लूज नहीं हो रही, यहाँ पे एरोमेटिसिटी इंक्रीज हो रही है। कैसे? ध्यान से सुनना, ये तो ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। कोई भी चीज जब होती है केमिस्ट्री में, जब स्टेबलाइजेशन मिलता है, ये बात मेरी याद रखना, मैंने 50 में बता ली कि मैं हर बार यही कहता हूँ कि जहां पे स्टेबलाइजेशन हो रहा है वहीं पे आपका रिएक्शन होता है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं C9 C10 बॉन्ड को यहां से हटा रहा हूं, तो अब इसमें आपको दो प्रॉपर बेंजीनोइड रिंग दिख रही है, ठीक है ना, जिनका इस रिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा मैं देखूं तो यहां पे इस रिंग के साथ इसका थोड़ा बहुत लेना देना है, यहां पे कंजुगेशन ऐसे हो सकता है। तो यहां पे इनकी जो एरोमेटिसिटी है वो इसके साथ आके एरोमेटिसिटी थोड़ा डिक्रीज हो रही थी, लेकिन यहाँ एरोमेटिसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए ये आपका रिएक्शन बिल्कुल होगा, ठीक है ना, फिजिबल रिएक्शन है, फेवरेबल कंडीशन है जी यहाँ पे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? चलो अब अगर मैं यहीं पे ले लूं नेफ्थलीन, ध्यान से सुनना, यहीं पे क्या ले लूं, नेफ्थलीन। देखो जी मैं बात कर रहा हूं, यहां पे अगर आपका कुछ रिएजेंट आ जाए, यहां पे कोई ऐसे रिएजेंट आ जाए जो आपको नहीं पता है, तो बात को दिल पे मत लेना, बस अभी के लिए इतना सोचो
कि ये देखो कि मैं करा क्या रहा हूं, मीन्स मैं कौन से रिंग पे कहीं कुछ ऐड कर रहा हूं या कहीं से कुछ हटा रहा हूं और वो क्यों करा रहा हूं। तो बस मैं आपको रिएक्टिविटी दिखाने के लिए कर रहा हूं कि यहां पे ये आपका रिएक्टिव है या रिएक्टिव नहीं है। अगर कोई रिएजेंट ऐसा है कि आपको समझ में ना आ रहा हो, वैसे आएगा मैं तो मान के चल रहा हूं कि नहीं आ रहा है, तो हम उन्हें क्या करेंगे आगे जब रिएक्शन मैकेनिज्म में देखेंगे और फिर जब हम रिएजेंट पढ़ेंगे तो वहां पे सभी रिएजेंट हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं रिएजेंट वगैरह को रिएक्शन मैकेनिज्म जो भी आ रही है, रिएक्शन जो भी आ रही है, उन्हें दिल पे मत लेना। बस देखना है आपको कि रिएक्टिविटी कहां पे आ रही है। अब अगर मैं यहां पे ले लूं V2O3 वैनेडियम का ऑक्साइड ले लूं और इसे कर दूं हीट, इसे कर दूं हीट, तो ये क्या होता है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो होगा क्या, ध्यान से देखना, बस अभी आप, मैं कह रहा हूं फिर से रिएक्शन को माइंड पे मत लेना। यहां पे एसिड बना देता है जी, एसिड। फिर से मैं कह रहा हूं रिएक्शन को दिमाग पे मत, माइंड पे मत लेना। जिसे ये पता है रिएजेंट क्या करता है उसे तो पता लग गया होगा, लेकिन बाकी लोग इस चीज को ज्यादा माइंड पे मत लेना, दिल पे मत लेना। क्यों? क्योंकि ये रिएजेंट, हम सब रिएजेंट पढ़ेंगे अच्छे से रिएजेंट में जाके। बस अभी के लिए ये यहां पे आप इतना ध्यान रखोगे कि इस वाली बेंजीन, जो ये वाली बेंजीन, जो ये वाली रिंग है, इस वाली रिंग पे एडिशन हो गया है, मींस ये रिएक्टिव रिंग है। तो फिर से क्या यहां पे, क्या यहां पे एरोमेटिसिटी में इफेक्ट नहीं पड़ा? मैं कह रहा हूं नहीं, एरोमेटिसिटी तो बड़ी है। पहले इसकी जो, इसका जो एरोमेटिक करेक्टर था वो इसके साथ भी क्या हो रहा था, कंजुगेशन में आ रहा था, मींस इसकी एरोमेटिसिटी शेयर हो रही थी, लेकिन अब यहां पे शेयर नहीं हो रही है। तो यहां पे ये आपका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो इसमें जो सेकंड रिंग है वो एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, यहीं पे अगर मैं क्या करूं हीट करूं, यहीं पे क्या करूं, तो मैं हीट करूं, तो यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा कुछ इस टाइप से, और ये यहां पे आके जुड़ जाएगा आपका कुछ इस टाइप से। ये कंपाउंड आपको मिलेगा, आई थिंक बोर्ड में नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो मैं एक बार इसे अच्छे से बना देता हूं। ध्यान से देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब अगर मैं इसे फर्दर हीट कर रहा हूं तो हीट करने पे यहां से वाटर निकलता है, वाटर यहां से वाटर निकल जाता है और ये आके आपका ऐसा जुड़ जाता है, ये कंपाउंड आपको। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? देखो काफी सुंदर सी रिएक्शन है। ठीक है, अभी अगर समझ में भी नहीं आ रही तो देख, मैंने भी लग रहा होगा कि काफी सुंदर सी रिएक्शन है, बस आपको लगना चाहिए कि इस पे रिएक्टिविटी होगी। समझ में आ रहा है? चलो, तो ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस है जिन्हें हम देख सकते हैं कि जिससे हमें पता लगेगा कि रिएक्टिविटी किस कार्बन पे है। जब हम एरोमेटिक कंपाउंड की केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, यहाँ पे तो बस हम आपको एरोमेटिसिटी पढ़ा रहे हैं, जहां पे हम इनकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पे हम पढ़ेंगे कि कितनी कैसी रिएक्शन होगी, वो सब हम पढ़ेंगे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएजेंट को खत्म करके, क्योंकि उस टाइम पे आपको अच्छे से रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएजेंट आता होगा। अभी जैसे ही हमारा ये एरोमेटिसिटी खत्म होगा, जीओसी खत्म होगा, उसके जस्ट बाद में हम रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टार्ट करेंगे, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, फिर जैसे ही वो खत्म होगा रिएजेंट्स, नेम रिएक्शंस। ठीक है ना, अभी तो काफी कुछ पोर्शन बचा है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस होगी। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, आपको कुछ क्वेश्चंस का यहां पे पिक क्लिक करके और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे होगा क्या कि हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा, वहां पे आप देख लेना, कुछ रिएक्शंस वहां पे होगी, एक्सप्लेन मैं उन्हें कर दूंगा, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसके एरोमेटिसिटी के कुछ क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के, वो हम देख लेते हैं, अदरवाइज हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे अगर हम इसे यहाँ पे और एक्सप्लेन करेंगे। तो रिएक्शंस हम देख लेंगे, ठीक है ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। देखो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जी आपका यूपीपीसीएस 2009 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्टिफाई द नेफ्थलीन इज लेस एरोमेटिक देन बेंजीन। इसमें चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट ये जस्टिफाई कर रहा है कि जो नेफ्थलीन होता है वो बेंजीन से कम एरोमेटिक होता है। तो ध्यान से सुनना,
पहला, नेफ्थलीन हैज ग्रेटर नंबर ऑफ पाई बोन. इसने कहा है कि नेफ्थलीन के पास ज्यादा नंबर ऑफ पाई बोन होते हैं. तो ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुआ, ये तो उल्टा बता रहा है कि उसमें ज्यादा पाई बोन है तो वो ज्यादा कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, उसमें ज्यादा एनर्जी, बट ऐसा नहीं है. दूसरा, नेफ्थलीन हैज हायर रेजोनेंस एनर्जी. ये बात भी गलत है. नेफ्थलीन के पास अगर ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी तो नेफ्थलीन ज्यादा स्टेबल होगा, एरोमेटिक होगा, ठीक है ना. नेक्स्ट है, नेफ्थलीन इज अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन. इसने कह रखे कि नेफ्थलीन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन है. तो आपने देखा भी होगा, भी हमने रिएक्शन कराई है, हाइड्रोकार्बन के जैसे बिहेव कर रहा था. तो ये ऑप्शन सही है. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेफ्थलीन अंडरगोज इलेक्ट्रो फिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर रैपिडली देन बेंजीन. ये कह रहा है कि नेफ्थलीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ज्यादा देगा बेंजीन से, तो नहीं, ऐसा नहीं है. आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, तो ज्यादा कौन देगा, बेंजीन देगा, ठीक है ना. तो ये भी गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हाँ जी, क्वेश्चन है आपका पीजीटी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो पीजीटी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. काफी अच्छा क्वेश्चन है. यूपी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है 2006 में. क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन फिनेंथ्रीन. टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बताने हैं फिनेंथ्रीन में. फिनेंथ्रीन में टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बताने हैं. तो ध्यान से देखो, मैं फिनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर फिर से बना के दिखा देता हूं आपको. ये जी फिनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर. तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देखो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन होते जी 14. ऑप्शन था उसमें 14, वो देख लेना, ठीक है ना. ऑप्शन थी होते 6, 12, 14, 18. तो क्या होता है, 14 होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पीजीटी यूपी पीजीटी 2006 का क्वेश्चन है. नेक्स्ट फिर से यूपी पीजीटी 2006 का क्वेश्चन है. इन विच कंपाउंड देयर आर 10 पाई इलेक्ट्रॉन. इसने पूछा है इनमें से कौन से कंपाउंड में 10 पाई इलेक्ट्रॉन है. पहला दिया हुआ है पायरोल, दूसरा दिया है जी फ्यूरान, तीसरा दिया है जी थायोफीन और चौथा दिया है जी नेफ्थलीन. तो आपने पढ़ा भी था नेफ्थलीन में 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं. इसने 10 पाई इलेक्ट्रॉन पूछा है कौन सा सिस्टम है, इसमें होते हैं. चलो मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं. पायरोल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है ना. सॉरी, पायरोल, ठीक तो ना, पायरोल और फ्यूरान का जो रिंग होता है वो कुछ इस टाइप से होता है. यहाँ पे इसकी जगह ऑक्सीजन आ जाता है. और थायोफिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है. यहाँ पे सल्फर आ जाता है, यहाँ पे होते हैं लोन पेयर, ठीक है ना. तो क्या कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 इलेक्ट्रॉन है. लेकिन लेफ्थ में वहीं पे पढ़ते हो कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है. तो ये आया यूपी पीजीटी 2006 में क्वेश्चन, ठीक है ना. क्वेश्चन देख रहे हो किस लेवल के क्वेश्चन, ठीक है ना, आ रहे. और हमने तो बहुत ही अच्छे से पढ़ा है. मैं फिर से गारंटी लेता हूँ कि जितना हम पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा तो क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है ना. उससे ज्यादा तो कभी पूछा नहीं जाएगा. अभी समझ में आ रहा है, हाई लेवल पे आपको पढ़ा दिया है, हाई लेवल पे एरोमेटिसिटी वगैरह सब कुछ पढ़ा दिया है आपको, ठीक है जी. फिर भी हमें नीचे लेके नहीं चलना है, ठीक है ना, अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है. नेक्स्ट पूछा जी क्वेश्चन, ये भी आया है पीजीटी 2011 में. 2011 में क्वेश्चन आया है, 2011 में आया क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है, विच इज मोस्ट एसिडिक, विच इज मोस्ट एसिडिक. पूछा है कौन सा मोस्ट एसिडिक है. पहला है जी फिनोल, फिनोल दिया हुआ है यहाँ पे, नाम दिए हुए थे, मैं बस स्ट्रक्चर बना के दिखा दे रहा हूँ आपको. फिनोल. दूसरा दिया है ओ क्रिसोल, ऑर्थो क्रिसोल. देखो क्रिसोल क्या होता है, क्रिसोल होता है अगर ओ एच लगा है और उसपे CH3 लगा दे तो वो क्रिसोल हो जाता है. तो मुझे कहां पे लगाना है, उसने ऑर्थो का है तो ऑर्थो पे CH3 लगा दो, ये हो गया ओ क्रिसोल, ऑर्थो क्रिसोल. मेटा क्रिसोल, उसने दिया है मेटा क्रिसोल. मेटा क्रिसोल क्या होगा, यहाँ पे ओ एच होगा और मेटा पे CH3 होगा, मेटा क्रिसोल. और उसने दिया है पैरा क्रिसोल, यहाँ पे CH3 दिया हुआ है. तो देखो ये तो हो गया फिनोल, नाम भी आपको याद रखने हैं, ये हो गया ऑर्थो क्रिसोल, क्रिसोल, ये हो गया मेटा क्रिसोल और ये हो गया आपका पैरा क्रिसोल, ठीक है ना. बोर्ड पे आ रहा है कि अच्छे से कैमरे में, या परफेक्ट. ओके, अब इनमें पूछा है कौन ज्यादा एसिडिक है. तो देखो ध्यान से देखना,
अगर मैं बात करूं पहले वाले में, तो इसमें यहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं लगा है, कोई इफेक्ट नहीं लगा है, नो इफेक्ट। लेकिन आप यहां पे देखोगे तो CH3 का आई इफेक्ट और कौन सा प्लस आई इफेक्ट लगा है, यहां पे भी CH3 का प्लस आई इफेक्ट लगा है, यहां पे भी CH3 का प्लस आई इफेक्ट लगा है। और आपको पता है जो आई इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट इसमें, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें। वैसे तो मुझे ऑर्डर बताना ही नहीं है, मुझे क्या बताना है कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है। आई क्या करता है, आई जो एसिडिक कैरेक्टर, देखो एसिड कब होगा, जब यहां पे माइनस बनेगा। तो सब हमने पटखा ना, जब यहां पे माइनस बनेगा तभी तो एसिडिक होगा। ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसे और ज्यादा अनस्टेबलाइज कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई इफेक्ट नहीं है तो ये अनस्टेबलाइज नहीं होगा। मीन सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा इनमें, फिनोल, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए फिनोल, ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल में कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो फिनोल सबसे ज्यादा एसिडिक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो हम पीजीटी के क्वेश्चन देख रहे हैं जी, इंपॉर्टेंट लेक्चर है बहुत ज्यादा ये, क्योंकि हम यहाँ पे सारे पीजीटी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पीजीटी में क्वेश्चन आता है यहाँ से, एरोमेटिसिटी से आप देख रहे हो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन से आपको देख के पता लग रहा होगा पीजीटी वगैरह में क्या होता है, बाय नेम ज्यादा पूछता है, ठीक है ना, बाय नेम ज्यादा पूछता है, तो आपको नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट पूछा है, पीजीटी का क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में, 2010 पीजीटी, यूपी पीजीटी आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक, पूछा है कौन सा एरोमेटिक है, इनमें से कौन कौन एरोमेटिक है। तो देखो सबसे पहले उसने दिया हुआ है ये क्या है, पिरिडीन है, पिरिडीन दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसने यहाँ पे पायरोल दिया हुआ है ये, और फिर उसने यहाँ पे कंपाउंड कुछ ऐसे दिया हुआ है ये, इसे X नाम दे दिया, इसे Y नाम दे दिया, इसे Z दे दिया, और ऑप्शन में क्या क्या दिया था, ऑप्शन में दिया था एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जेड, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अब इसने पूछा कि इनमें से एरोमेटिक कौन कौन है, तो देखो पहला पिरिडीन अच्छे से एरोमेटिक होता है, देखो कॉन्जुगेशन है, प्लेनर भी है, सब कुछ है, सब sp2 है, तो एरोमेटिक है। इसमें देखो पायरोल, ये भी हमने पढ़ रखा है, ये भी एरोमेटिक होता है, कॉन्जुगेशन सब कुछ है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी एरोमेटिक है, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। मीन्स एक्स और वाई एरोमेटिक हो गए, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। कर लोगे, पीजीटी 2010 का क्वेश्चन था, 10 का क्वेश्चन था, देख रहे हो कैसे हलवा लोग क्वेश्चन आ रहे हैं। धांसू आपको कंसेप्ट में दे रहा हूं और धांसू आपको क्वेश्चन सारे करा रहा हूं, इसलिए लाइक और शेयर करना तो बनता है, ठीक है ना। फिर से कह रहा हूं, प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। फिर से एक क्वेश्चन है पीजीटी 2010 का ही है ये भी, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स विल बी इज इन ऑर्डर। इसने पूछा है कि कुछ एल्कोहल दिए हुए हैं और उसमें पूछा है कि डिहाइड्रेशन, उसमें डिहाइड्रेशन का ऑर्डर पूछा है। पहले ये अल्कोहल दिया है साइक्लोहेक्सिनोल, दूसरा हेक्सिनोल, तीसरा फिनोल एंड फोर्थ इज ये दिया है, ठीक है ना। तो इनमें पूछा हुआ है इसमें पूछा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का ऑर्डर। तो देखो डिहाइड्रेशन होगा क्या, यानी कि आपको यहां से OH निकलेगा, यहां पे प्लस आएगा, यहां से OH निकलेगा, यहां पे प्लस आएगा, यहां से OH निकलेगा, यहां पे प्लस आएगा। अरे मैकेनिज्म पता है ना, थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं। चलो देखो, अगर इसकी ही बात करूं पहले वाले की, तो OH है, यहां पे क्या होगा एसिड की प्रेजेंस में H+ आएगा और ये O इस पर अटैक मारेगा, होगा क्या, यहाँ पे बनेगा OH2+, ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बाहर निकल जाएगा, ये सब रिएक्शन मैकेनिज्म में हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे प्लस आएगा। तो देखो सब पे प्लस आ रहा है। अब आपको पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कौन सा यहाँ पे प्लस स्टेबल होगा, विच वन इज स्टेबल। तो देखो सबसे पहले तो ये स्टेबल होगा एरोमेटिक है, ठीक है ना, सबसे पहले ये स्टेबल होगा, थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब हम बात करें, देखो डबल बॉन्ड पे स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, सॉरी गड़बड़ होगी, ये तो सबसे कम स्टेबल होगा ना। ओह माय गॉड, देखो हमने कहा था ये आपका sp2 पे है, ये भी sp2 पे है, sp2 पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, क्योंकि sp2 है, ध्यान से सुनना अभी, sp2 और sp3 की बात करूं तो सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा s कैरेक्टर होता है इसमें 50% s कैरेक्टर है,
ठीक है ना, इसमें 33% एस करेक्टर है, उसमें 25% एस करेक्टर है, तो जिसमें जितना ज्यादा एस करेक्टर होता है उसमें उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा प्लस चार्ज वहां पे उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो ये तो अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल, और ऊपर से यहाँ पे देखो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा कॉन्जुगेशन भी है उसके साथ, ठीक है ना, कॉन्जुगेशन भी है, तो क्या होगा यहाँ पे आपका एरोमेटिसिटी क्या होगा यहाँ पे, सॉरी सबसे कम होगा पॉजिटिव चार्ज स्टेबल, तो थर्ड में सबसे कम होगा, सेकंड में उससे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा होगा आपका फर्स्ट में, और सबसे ज्यादा होगा आपका फोर्थ में। फोर्थ में सबसे ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है और यहाँ पे अनस्टेबल हो रहा है, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आया ये एक्सप्लेनेशन? देखो मैं कह रहा हूँ sp और sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो उसकी वजह से ये दोनों सबसे कम होंगे। अब इनमें सबसे कम कौन होगा, इन दोनों में सबसे कम ये वाला होगा, क्यों, क्योंकि भाई देखो ऊपर से कॉन्जुगेशन भी है, ये क्या लगा रहा है, ये क्या लगा रहा है, यहां से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस आर इफेक्ट भी लगा रहा है, प्लस आर इफेक्ट लगाएगा तो क्या होगा, सॉरी प्लस आर इफेक्ट ऐसे लगा, प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है तो होगा क्या, प्लस आर लगा रहा है, माइनस आर, सॉरी माइनस आर लगा रहा है, ऐसे माइनस आर इफेक्ट लगा रहा है, या आप कह दो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो क्या कर रहा है यहां से इलेक्ट्रॉन और खींच रहा है, और ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल उससे कम ये और सबसे कम ये, क्योंकि यहाँ पे तो कॉन्जुगेशन हो रहा है, अच्छा भला कॉन्जुगेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, PGT 2010 का क्वेश्चन था भी। तो देखो हमने जो जो कंसेप्ट पढ़े हैं उनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं चपरने वाला, इसमें क्या होगा भाई आज, ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आया, PGT 2010 का क्वेश्चन था ये, और क्वेश्चन देख लेते हैं, PGT 2009 में क्वेश्चन आया होगा, 9 में क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, इसने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दिया और पूछा है कौन सा नॉन एरोमेटिक, कौन सा एरोमेटिक नहीं होगा। देखो पहला दिया हुआ नाम से दिया हुआ है, बाय नेम दिया हुआ है, पहला है प्रीडिन, तो प्रीडिन आपको पता है क्या होता है, सिक्स मेंबर रिंग में यहाँ पे एन होता है ये, और ये आपको पता है भली बात, ये क्या है एरोमेटिक है। दूसरा है पायरोल, पायरोल आपको पता है यहाँ पे एन होगा, और यह भी आपको पता है भली बात, ये भी एरोमेटिक है। फिर दिया आपको फ्यूरोन, फ्यूरोन ये भी बड़ी बात बताई, ये भी एरोमेटिक है। नेक्स्ट दिया है पिप्रेडाइन, पिप्रेडाइन पिप्रेडाइन क्या होता है, एक साइक्लोहेक्सेन टाइप रिंग होती है, और उसमें यहाँ पे NH, इसमें कोई एरोमेटिसिटी है दिख रही है आपको, नहीं दिख रही ना, ये तो प्लेनर ही नहीं है सबसे पहली बात, तो आपका एरोमेटिक ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये एरोमेटिक नहीं है, तो वही है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन PGT 2006 में, सर मैं PGT के क्वेश्चन करा रहा हूँ, 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है, Which of the following is an aromatic compound? पूछा है कौन सा aromatic compound है? सबसे पहले cyclohexane दिया है, क्या cyclohexane aromatic होता है? नहीं होता ना। दूसरा दिया हुआ है cyclobutadiene, क्या cyclobutane होता है? Sorry, cyclobutane, क्या cyclobutane aromatic होता है? नहीं होता ना। फिर दिया हुआ है butadiene, क्या butadiene होगा भाई? Cyclic ही नहीं है, कहाँ से aromatic होगा? फिर दिया है pyrrole, हाँ जी पता है हमें pyrrole अच्छे से aromatic होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन PGT 2004 में आया हुआ है, Which of the following compound does not follow Huckel rule? इसने पूछा कौन सा Huckel rule को follow नहीं करता, तो देखो सबसे पहला है फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन करता है जी हकल रूल को फॉलो, एरोमेटिक है। दूसरा है प्रीडिन, प्रीडिन भी करता है। फिर है पैराबेंजोक्विनोन, पैराबेंजोक्विनोन हाँ जी ये भी एरोमेटिक है, और ये सॉरी पैराबेंजोक्विनोन हाँ जी पैराबेंजोक्विनोन को देख लेते हैं हम, कुछ इस टाइप से होगा ना, हाँ ये वाला कंपाउंड क्यों, क्या ये वाला करेगा? नहीं करेगा ना, तो देखो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है भाई, सॉरी हाँ यहाँ पे क्या क्या दिया है, फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन आपका करेगा, ओके। फिर दिया है पिरिडिन, पिरिडिन भी करता है कलूल को फॉलो। फिर दिया हुआ है साइक्लोपेंटाडाई इनाइल एनायन, हाँ जी ये भी करता है साइक्लोपेंटाडाई इनाइल एनायन, हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि ये आपका एरोमेटिक होता है, ये भी एरोमेटिक है, तो ये भी करेगा। तो आपका लास्ट बचा पैराबेंजोक्विनोन, तो पैराबेंजोक्विनोन आपका 4N+2 को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि क्विनोन है डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, डबल बॉन्ड ओ, तो वो नहीं करेगा। नेक्स्ट है PGT 2004 का क्वेश्चन आया हुआ है, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट यहां से निकालना है। पहला है पायरोल इज मोर रिएक्टिव देन फ्यूरोन, गलत है जी, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट सम पिरामिडीन्स आर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड, देखो जी हम जब वहां पे पढ़ेंगे आपका बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे पिरामिडीन्स, प्रीडीन्स, यानी कि हम पढ़ेंगे जब वहां पे न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ेंगे डीएनए आरएनए, तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसमें कुछ पिरामिडीन्स यूज होते हैं, ठीक है, तो ये आपका सही है ऑप्शन। नेक्स्ट
pyridine is less basic than pyrrole. हाँ जी सही बात है, pyridine is less basic than pyrrole, ये बहुत ही ये गलत है जी, pyridine आपका मोर बेसिक होता है pyrrole से, ठीक है। और ऊपर वाला जो था ना, pyrrole is more reactive than furan, ये सही बात था जी, pyrrole reactive होता है ज्यादा। नेक्स्ट है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन pyrrole occur इन 2 और 5 पोजिशन, या ये भी ठीक है, तो ये हो जाएगा जी, कर लोगे। चलो नेक्स्ट, PGD 2003 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी एस्टेब्लाइज बाई रेजोनेंस, इसने पूछा है कौन सा रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। तो देखो पहला दिया है CH3NO2, CH3NOO, चलो जी। दूसरा दिया है CH3CN, फिर दिया है C2H5O, फिर दिया है C6H6, बेंजीन। तो देखो इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा, इसमें भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा, इसमें भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा, लेकिन इसमें कोई रेजोनेंस ही नहीं होगा। तो यही है आपका इसका ऑप्शन, उसने पूछा किसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, बस आप शेयर करो, ठीक है ना, लाइक ठोको, लाइक बटन को आज आपको तोड़ना है। हाँ जी, पायरोल डज नॉट, पीजीटी 2003 का क्वेश्चन है, थ्री का, क्या पूछा है, pyrrole does not show basic properties because, pyrrole does not show basic properties because, first is n atom is sp2 hybridized, yeah to galat hai, n atom sp2 hybridized, lone iski isse thode kuch hota hai, dusra lone pair of n is delocalized with pyrrole, yeah ye sahi baat hai, dekho agar aap pyrrole ki baat karoge to pyrrole ye hota hai, to ye basic character kyun nahi dikhata, kyunki jo isme lone pair hai wo ek hi lone pair hai aur ye hakal लोन पे रही, कैसा लोन पे रही, कॉन्जुगेशन में आ रहा है, तो इसलिए बेसिक कैरेक्टर नहीं दिखाता, इसलिए जो आपका इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अवेलेबल ही नहीं है। अगर मैं यहीं पे बात करूं फ्यूरॉन की, फ्यूरॉन, तो फ्यूरॉन में देखो 2 लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर तो आपका कॉन्जुगेशन में होगा, लेकिन ये लोन पेयर होगा नॉन हबल टाइप का, तो ये आपका बेसिसिटी शो करेगा। तो अगर बेसिसिटी का ऑर्डर भी बात करो तो फ्यूरॉन ज्यादा बेसिक होता है देन पायरोल, ठीक है ना। तो यहीं पे आप हमारा एरोमेटिसिटी का जो ये एरोमेटिसिटी वाला चैप्टर ये खत्म होता है, और फिर से मैं कहता हूँ आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कीजिए, ठीक है ना, और लेक्चर को शेयर कीजिए, प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है, ओके देन, थैंक्स। ओके चलो, हम जो रिएक्शन हमारी बची थी उन रिएक्शन को हम देख लेते हैं। जैसे कि आपको पहले रिएक्शन में पता लग रहा हो CrO3H, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सीधा यहाँ पे एल्किन को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। तो देखो रिएक्टिविटी किस रिंग पे हो रहा है, इस रिंग पे, क्योंकि नॉन बेंजीनोइड रिंग टाइप से था। इसमें देखोगे रिएक्टिविटी किस पे होगा, इस पे जो डबल बॉन्ड ओ होगा वो यहाँ पे आके जुड़ेगा, 9, 10 पे आगे जुड़ेगा। यहाँ पे भी देखो 9, 10 पे ही होगा, 9, 10 पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे, क्योंकि अल्किन टाइप है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ जुड़ेगा। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट था गाइज। फिर से मैं कह रहा हूँ, प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जिससे हमारा हौसला बढ़े, हम और अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेके आए। तो यहाँ पे आपका एरोमेटिसिटी खत्म होता है, और एरोमेटिसिटी के साथ आपका GOC भी लगभग हम कह सकते हैं कि 90% खत्म होता है। इससे बाद में आपका बचा है इंटरमीडिएट, हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में हम पढ़ेंगे कार्बोकैटायन, कार्बेन आयन, कार्बीन और फ्री रेडिकल और नाइट्रीन, बेंजाइन, ये सब पढ़ेंगे। और उससे बाद में फिर हम रिएक्शन मैकेनिज्म का एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे। ओके देन, थैंक्स, बाय, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।